नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस समय बहुत लोगों का प्रश्न है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी। कांग्रेस तो इस समय रेस में है नहीं, तो सरकार किसकी बनेगी। तो दोस्तों, ये अपने देखते हैं कि क्या होगा। 8 तारीख को जो है चुनाव हो रहा है और 11 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो हम दोस्तों 8 तारीख को देख रहे हैं कि प्लानिटरी पोजीशन 8 तारीख की क्या रहेगी। तो 8 तारीख को सुबह 8 बजे वोटिंग चालू होगा, तो उस समय कुंभ लग्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, और लग्न का स्वामी जो है वो शनि जो है वो 12वें घर में सूर्य और शनि की युति है। लग्न किसका है? लग्न है जिसकी सरकार इस समय चल रही है। ठीक है, 7वां घर जो है वो अपोजिशन है। तो लग्नेश जो है वो 12वें घर में, जो कि अशुभ है, और सप्तमेश जो सामने वाले अपोजिशन है पार्टी जो है वो है सप्तमेश जो है सूर्य। सूर्य भी जो है 12वें घर में है, यानी कि लग्नेश और सप्तमेश दोनों की युति 12वें घर में है। लग्नेश जो है शनि है, मकर राशि में है। सप्तमेश जो है सूर्य है, मकर राशि में है। सूर्य जो है 24 डिग्री 38 कला पर रहेंगे और शनि जो है 1 डिग्री 42 कला पर रहेंगे। यानी कि दोस्तों दोनों में जो है पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। लग्नेश का भी 12वें घर में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, सप्तमेश का भी 12वें घर में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें एक बात है कि लग्नेश जो है वो शनि है, अपने राशि में बैठा है, लेकिन उसकी डिग्री 1 डिग्री 42 कला है, पावर कम है। सप्तमेश जो है सूर्य है, वो शत्रु के घर में बैठा है और शत्रु प्लानेट शनि, ऐसा सूर्य शनि पिता पुत्र हैं लेकिन दूसरा एक दूसरे के शत्रु भी हैं, वो 24 डिग्री 38 कला पर है। यानी कि सूर्य की डिग्री में पावर है, यानी कि इस बार अपोजिशन यानी बीजेपी की बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब देखेंगे दोस्तों कि ग्रह की पोजीशन जो है और ग्रहों की क्या पोजीशन है। तो चंद्रमा जो है उस दिन कर्क राशि में रहेंगे, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में रहेंगे, 8 डिग्री 7 कला पर रहेंगे। तो ये नैसर्गिक कुंडली के 4थे घर की राशि है। ठीक है दोस्तों, और 4था घर को जो है सरकार की कुंडली या मुंडेन ज्योतिष में अपोजिशन कहा जाता है। 10वां घर जो है जो सरकार चला रहे हैं, 4था घर जो है जो अपोजिशन है। तो चंद्रमा जो है कर्क राशि में 8 डिग्री का और पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये तो दोस्तों कन्फर्म है कि जो है जो कल जो है वोटिंग 8 तारीख को पड़ेगी उसमें जो है बीजेपी की संभावना यानी कि वोट परसेंटेज भी बढ़ने का योग बहुत अच्छा बन रहा है। और जो पिछली बार सीट जो है इतनी कम आई थी, शायद कुछ 67 सीट आम आदमी पार्टी की थी, बीजेपी की कुछ 2 या 3 ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन इस बार बहुत कुछ उलट फेर जो है हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में जो है बैठा है, अपोजिशन के घर में बैठा है नैसर्गिक कुंडली में। तो बीजेपी की बढ़ने की संभावना बहुत ही जो है वो ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और रही बात आम आदमी पार्टी की राशि जो है मेष राशि है और नाम से, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो है वो वृषभ राशि है। तो मेष राशि से 90 डिग्री का स्क्वायर बन रहा है और बीजेपी की जो है ये जो है वृषभ राशि से कर्क राशि त्रि एकादश का योग बन रहा है। तो ये भी योग जो है बढ़िया योग है। अब देखेंगे दोस्तों कि 11 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन क्या होगा। तो 11 तारीख को दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तो लग्न जो है
वही रहेगा, कुंभ लग्न रहेगा और लग्नेश शनि है वही 12वें घर में। सूर्य जो है वो सिंह राशि में 12वें घर में, यानी सूर्य शनि की युति है। लेकिन चंद्रमा जो है वो 7वें घर में है और दशमेश की पोजीशन जो गवर्नमेंट है, दशमेश की पोजीशन जो है दशमेश मंगल लाभ स्थान में, गुरु मंगल केतु की युति है और चतुर्थेश जो अपोजिशन है उसका स्वामी शुक्र जो है वो उच्च का है। तो दोस्तों जो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावना बहुत ही कम है, बीजेपी की भी सरकार बनने की संभावना हमको बहुत कम लगती है, या बीजेपी शायद सरकार बना ले जाए, या शायद हंग असेंबली जो है इस बार हो, यानी कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, क्योंकि एक तरफा बहुमत मिलने का योग जो है मुझे जो है ज्योतिष की दृष्टि से बहुत कम दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसकी सीट ज़्यादा आ सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सीट कुछ न कुछ आम आदमी पार्टी से ज़्यादा आने की उम्मीद मुझे लग रही है, क्योंकि चतुर्थेश जो है वो उच्च का है और दशमेश जो है जिसकी सरकार चल रही है वो मंगल है, और मंगल भी मित्र के घर में बैठा है लेकिन मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन दशमेश मित्र है और चतुर्थेश उच्च है, यानी उच्च का रिजल्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा योग जो है वो बन रहा है दोस्तों। दूसरी बात, गवर्नमेंट का कारक ग्रह सूर्य है और 11 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है, यानी सूर्य और चंद्रमा का जो योग है वो षडाष्टक योग जो है बन रहा है, जो कि वर्तमान गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा योग जो है ये नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ओवरऑल ज्योतिष की दृष्टि से दिल्ली के चुनाव का परिणाम जो है, जो भी आएगा वो अपने देखेंगे, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से जो है ये मेरा जो विचार था वो मैंने आप सबके सामने जो है वो रख दिया। जय श्री राम।